दिस इज़ माई मोटजी फोर प्लस और मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मतलब बताने जा रहा हूँ कि इसमें वीडियो कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके डायलर पे वीडियो कॉलिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। वैसे सैमसंग के फ़ोन्स में वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आता है जो भी है मार्केट में, पर इस पर नहीं दिया है, शायद अपडेटिंग के बाद आ जाए। तो इस पर वीडियो कॉलिंग कैसे करें, तो अगर आप रिलायंस जियो यूज़ कर रहे हैं तो आप माई जियो 4G वॉइस, हाँ जियो 4G वॉइस का डाउनलोड कर लीजिए। इसे मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर हमें इसे ओपन करते हैं। पर ओपन करने से पहले आप इसका वॉल्ट बंद कर दीजिए, वोल्टी, और अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो फिर आप वीडियो कॉल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसे बंद कर दिया है और आपका मोबाइल ही नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए इसे ओपन करते टाइम, वाईफाई नहीं, नहीं तो ये चालू नहीं होगा। और जियो की ही सिम से होना चाहिए, वरना आप अपना आइडिया का डाटा यूज़ कर रहे हों या एयरटेल। तो ये चालू हो रहा है, ये हो गया है। इसके बाद इसे स्टार्ट नाउ करते हैं और ये चालू होने के बाद आप इसकी सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में फिर और इसका ये कॉलिंग फॉर फोन डायलर इसे बंद कर दीजिए और गो बैक होम पे चले जाइए। वापस होम पे जाने के बाद आप इसका वॉल्ट ऑन कर सकते हैं। अब आप इससे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल अलाउड। ये वीडियो कॉल लग गई है, अगर आप ये घंटी की आवाज़ आ रही है, और बस इतना ही। तो आप समझ गए होंगे कि इससे वीडियो कॉल कैसे करें। अब इसके डायलर में वीडियो कॉल का ऑप्शन शायद अपडेट के बाद आ जाए, देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही।